Hello, students. Welcome to CR International Online Classes. Today, we are going to discuss the layers of atmosphere. जैसा कि आप लोगों को पता है कल हमने चैप्टर नंबर ट्वेल्व जो है उसकी रीडिंग स्टार्ट की थी और हमने कल एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर क्या होता है ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में फाइव लेयर्स प्रेजेंट होती है जिसमें से हमने कल एक लेयर के बारे में पढ़ा था दैट इज ट्रोपोस्फियर जिस लेयर के अंदर लिविंग बींग्स रहते हैं ब्रीथ करते हैं सांस लेते हैं पेड़ पौधे पाए जाते हैं उस लेयर को हम प्रोपोस्फियर कहते हैं चलिए अब जो हमारी नेक्स्ट जो एटमोस्फियर की लेयर है उसका नाम है स्टेटोस्फियर ठीक है तो स्टेटोस्फियर में देखते हैं क्या क्या होता है देखिए दिस इज द सेकेंड लेयर ऑफ एटमोस्फियर स्टेटोस्फियर जो है वो एटमोसफियर की सेकेंड लेयर है ऑल एयरक्राफ्ट एंड एरोप्लेन फ्लाई इन दिस लेयर जितने भी एरोप्लेन है या एयरक्राफ्ट है वो सब इसी लेयर के अंदर जो है फ्लाई करते हैं उड़ते हैं ओजोन गैस लेयर इज प्रेजेंट इन दिस स्फीयर जो ओजोन गैस है वो भी ओजोन गैस की जो लेयर होती है वो भी इसी स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ही प्रेजेंट है ठीक है ओजोन एक प्रकार की गैस होती है जो कि हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावॉयलेट रेस से हमें बचाती है प्रोटेक्ट करती है ठीक है ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रा रेज ऑफ सन और ये जो सन की जो सन की जो रेज आती है अल्ट्रा वायलेट रेज अगर ये सीधी सीधी अर्थ के ऊपर पड़ती है तो इनसे जीवों को यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है उनके अंदर बहुत सारी डिजीजेस पैदा हो जाती है लाइक कैंसर एंड स्किन डिजीजेस एटसेट्रा ठीक है तो ये ओजोन लेयर जो है उन हार्मफुल अल्ट्रा वायोलेट रेज को एब्सॉर्ब कर लेती है वहीं पर रोक देती है जिस वजह से जो अल्ट्रा वायोलेट रेज है वो अर्थ के ऊपर नहीं आ पाती है तो ओजोन लेयर भी बहुत ज्यादा जो है यूजफुल है हमारे लिए जितने भी लिविंग बींग्स है सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है क्योंकि वो हमें सन की अल्ट्रा वायोलेट रेस से हमें प्रोटेक्ट करती है जिससे कि हमें विच कैन कॉज कैंसर एंड स्किन डिजीजेस जिससे हमें कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है स्किन डिजीजेस जैसी बीमारियां जो है हमें हो सकती है तो ये सारी जो हमने अभी पढ़ी है बातें ये सब हमारी जो है एटमोसफियर की जो सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फियर उसमें पाई जाती है एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट भी इसके अंदर ही फ्लाई करते हैं आप लोगों को अपनी बुक में एक बार देखना या आप लोगों की बुक है एक बार देखो इसके अंदर सेकंड नंबर पे इधर देखिए सेकंड नंबर पे जो लेयर दिखाई दे रही है आप लोगों को स्टेटोस्फियर स्ट्रेटोस्फीयर आप लोगों को नजर आ रही है ये रही ठीक है कल हमने ट्रोपोस्फीयर के बारे में पढ़ा था ये जो सेकंड आप लोगों को दिखाई दे रही है ये स्ट्रेटोस्फीयर है देखिए यहां पर स्ट्रेटोस्फीयर में आपको एक एरोप्लेन भी नजर आ रहा होगा जो कि स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ही जो है फ्लाई करता है चलिए देखो बच्चों नेक्स्ट जो लेयर है एटमोसफियर की दैट इज मीजोसफियर इसका नाम है मीजोसफियर जो थर्ड लेयर होती है मीजोस्फियर होती है तो मीजोस्फियर में क्या क्या होता है किस प्रकार से यह हमारे लिए महत्वपूर्ण तो है कैसे इम्पोर्टेंस है क्या इम्पोर्टेंस है इसकी देखिए इट इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोसफियर यह है वातावरण की वायुमंडल की जो है थर्ड लेयर है तीसरी लेयर है दिस लेयर बर्न्स दिस लेयर बर्न्स आउट द मेट्रियोराइड्स और स्मॉल रॉक्स देखा होगा आप लोगों ने कई बारी जो आ, उल्का पिंड है आसमान से छोटे छोटे से जो उल्का पिंड है स्मॉल रॉक्स है वो नीचे गिरते हुए से हमें प्रतीत होते हैं ऐसा लगता है जिसको हम ऐसा कहते हैं कि तार टूटता तारा असल में वो टूटता तारा ये मेटोरॉइट ही होते हैं तो ये क्या करते हैं ये वाली लेयर उन मेटोरॉइड्स को और स्मॉल रॉक्स को बर्न कर देती है जला देती है एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रिचिंग टू द सरफेस ऑफ अर्थ और उन्हें अर्थ की सरफेस पर आने से रोक देती है ठीक है ताकि वो अर्थ की सरफेस पर आके ना गिरे तो मीजोस्फियर भी जो है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है काफी इम्पोर्टेंट है तो अब तक हमने थ्री लेयर्स के बारे में पढ़ लिया है फर्स्ट इज ट्रोपोस्फीयर, सेकेंड इज स्टेटोस्फियर एंड थर्ड इज मीजोस्फियर तो आप लोग अच्छे से इन तीनों लेयर्स के बारे में जो है रीडिंग करेंगे तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे कल हम इससे आगे की जो लेयर्स बची हुई हैं उनके बारे में जो है डिस्कस करेंगे ओके okay? थैंक्स